हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए कौन न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग जो है उनकी चेक करेंगे। ओके, उनके मन में क्या चल रहा है, वो किस स्थिति में है वो भी देखेंगे। सो एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। हो सकता है हर बात आपसे रेजोनेट ना हो, कभी कभी पॉसिबल है कि 100% रीडिंग रेजोनेट हो जाती है, समटाइम 50%, 30%, 80%, 40%, 20% इस तरह से कुछ रेजोनेट होती है। तो जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, बाकी को इग्नोर करें। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी और वीडियोस के लिए। ओके, अगर आप पर्सनलिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक होते हैं रीडिंग के लिए, और जो चार्जेस वगैरह रहेंगे वो भी आपको इस नंबर पर पता चल जाएंगे। जब आप मैसेज करेंगे तो मेरी टीम आपको हेल्प करेगी ये सब चीज़ों को लेके जानकारी देने में, ठीक है। सो लेट्स सी, सबसे पहले आपके जो पर्सन हैं उनकी करंट एनर्जीज देख लेते हैं। ओके, आर्कएंजल गैब्रियल, केयरिंग कनेक्शन, डोर टू रोमांस, आपकी भी एनर्जी चेक कर लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है। क्यूनोकोपिया स्टोन, अभी भी बॉटम से सेम ही कार्ड आया। दोनों की हमने जब एनर्जी चेक करी ना, आप और आपके पार्टनर की, दोनों की एनर्जीज एक ही जगह आके कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है। सो लेट्स सी यहाँ पे फीलिंग्स में क्या आ रहा है। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस, बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इनको लेके, वो इनको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें उनके मन में इनको लेके क्या कुछ चल रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ हमें बताएं। ओके, सन फर्स्ट कार्ड, नाइट ऑफ वेंड्स, पेज ऑफ वेंड्स, टेम्परेंस, एम्परर, एंड बॉटम से आता है सेवन ऑफ वेंड्स एंड दी किंग ऑफ वेंड्स, ठीक है। सो आई थिंक सो आपको कार्ड्स विजिबल होंगे सारे, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं राशि की बात करूँ तो मुझे तो यहाँ पे आज देखा जाए वो सारी के सारी एनर्जीज एरीज, लियो, सैजिटेरियस की आ रही है, ठीक है। लेकिन इसके आने की पीछे भी एक वजह है यहाँ पे मुझे, क्योंकि ज़्यादातर जो एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही है वो एक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है। तो समवेयर आपके पर्सन के मन में कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की ही बात चल रही है, और वो एक्शन मुझे आपके कनेक्शन को लेके ही यहाँ पे नज़र आता है। सबसे पहले व्यूवर्स में यहाँ पे देखूँ तो आपके जो पर्सन हैं मे बी बहुत समय से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या सही से कुछ समझा नहीं पा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। उनके मन में जो बातें हैं मे बी उनका जो उनकी जो मतलब कहते हैं ना एक्सप्रेशन है, फीलिंग को एक्सप्रेस करने की जो एक पावर होती है वो कहीं ना कहीं रुक गई थी, इस तरह से व्यूअर्स में देख रही हूँ। और लेकिन आज नज़र आ रहा है ये जो पर्सन है इसे बोल देना चाहते हैं आपसे, कि जैसे कहते हैं ना कभी कभी सुना ना वो फिल्मों में कहते हैं चिल्ला करके आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, इस तरह से जैसे बोलते हैं ना वो, जैसे कि जोर जोर से शोर मचाना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह की वाइब्रेशन है, आप इस तरह को मतलब ये मैं समझ लेना कि मजाक कर रही हूँ मैं, लेकिन इस पर्सन का जो मन है ना वो यही है कि वो जैसे कि इसको अनाउंस करना चाहते हैं ऑफिशियली मे बी समवेयर इस कनेक्शन को, ठीक है, कि यस अब वो आपके इस रिश्ते में हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपके बहुत करीब हैं, या फिर आप उनके बहुत ज़्यादा करीब हो, इतना करीब उनके कोई और नहीं है जितने करीब उनके आप हो, या फिर कहीं ना कहीं जैसे ये पर्सन मैंने बोला था फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करते होंगे। तो नज़र आ रहा है जैसे कि ये जो पर्सन है ना इनका इनका दिल खुल रहा है,
ठीक है, इस पर्सन का जो दिल है वो आपसे मुझे कनेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से ये सेम एनर्जी आई है। जो एनर्जी इन्होंने पकड़ रखी है वही एनर्जी आपने पकड़ रखी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स मैं देख रही हूँ जैसे आप दोनों के रास्ते समवेयर एक ही डायरेक्शन में जाके, एक ही मंजिल पर जाके अटैच हो रहे हैं, एक ही मंजिल पर जाके कनेक्ट हो रहे हैं, और ये मंजिल है ये। क्योंकि आपके लिए भी व्यूअर्स यहाँ पे देखूँ तो स्टॉर्म वार्निंग एंड क्यूनोकोपिया है, यानी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपने एक स्टॉर्म देख लिया है ना, एक तबाही देख ली है, एक दर्द देख लिया है, एक पेन से गुजर चुके हो, एक कयामत को जैसे झेल चुके हो अपनी लाइफ के अंदर आप, है ना। मे बी आप दोनों के बीच में एक वक्त ऐसा भी रहा हो जहाँ पे सेपरेशन हुआ हो, ठीक है, या फिर आपका रिश्ता बिल्कुल टूटने की कगार पे आ गया हो, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखो मैं व्यूअर्स, आपकी तरफ स्टॉर्म आता है और यहाँ पर आपके पर्सन आपकी तरफ सन की एनर्जी के साथ में आ रहे हैं, जैसे काली रात के बाद में एक नया सवेरा लेके आ रहे, एक नई उम्मीद लेके आ रहे, एक नया एंथुजियाज्म, एक नया करेज, जॉय, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, ये एनर्जी गाइस मुझे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए फील हो रही है। जो आपके पर्सन इसी तरह से आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मैंने बोला यहाँ पे वेंट्स एनर्जी बहुत सारी है, तो ज़्यादातर मैं इस पर्सन को देख रही हूँ, जैसे ये जो पर्सन है ना, ये आपके रिश्ते को लेके बहुत स्ट्रांगली कोई एक्शन लेने के बारे में ही सोच रहे हैं, और ये एक्शन ऐसा रहेगा जैसे कि वो कुछ कर दिखाएंगे। मे बी जो अब तक इस पर्सन ने नहीं किया, ठीक है, कुछ ऐसा जो इस पर्सन से आपने उम्मीद लगाना छोड़ दी, कुछ ऐसा जो इस कनेक्शन को डिफेंड करे, आपका आपका साथ दे, आपके लिए स्टैंड ले, ठीक है। मे बी समवेयर आपके पर्सन किसी बात से घबराते होंगे, ठीक है, कुछ कह नहीं पाते होंगे, आपके लिए कुछ नहीं करते होंगे, है ना, कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है। तो अगेन मैं व्यूअर्स इस पर्सन को देख रही हूँ, जैसे ये जो पर्सन इस एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेके फाइट कर रहे हैं, इस तरह के व्यूअर्स इस पर्सन के मन में यहाँ पे विचार नज़र आ रहे हैं। और मैं एक चीज़ और देख रही हूँ व्यूअर्स, ये जो पर्सन है ये इस वक्त अपनी फीलिंग्स को चेंज होता हुआ खुद से भी देख रहे हैं, ठीक है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे अंदर इतने ज़्यादा मतलब भाव क्यों आ रहे हैं उस पर्सन के अंदर, मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ या ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, क्यों मुझे उसकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस हो रहा है, यानी आपकी तरफ, ठीक है। तो कुछ इस तरह के व्यूअर्स वाइब्रेशन भी यहाँ पे मिलती हैं, और मैं इस पर्सन को देख रही हूँ जैसे समवेयर अपने जो आपके पर्सन है ना वो अपने इमोशन को मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं यही कहूँगी समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि समवेयर दे फील बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी तरफ, मुझे मैग्नेटिक पुल सा फील होता हुआ नज़र आ रहा है आपके पर्सन को, जो इस पर्सन को खींच रहा है, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे पहले आता पे, यहाँ पे नाइट है, पेज है यहाँ पे, और फिर हमारे पास किंग की एनर्जी भी आ गई, यानी तीनों फेजेस, चाहे आपका पर्सन किसी भी एज का हो, किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी तरह के एटीट्यूड और बिहेवियर में हो, बट समवेयर वो धीरे धीरे करके हर जैसे स्टेप, उनका छोटे से छोटा स्टेप उनको आपकी तरफ खींच के ही लेके आ रहा है। और ये पर्सन व्यूअर्स मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि देख रहे हो पेज, नाइट एंड किंग, तो एक तरह से धीरे धीरे ही सही पर इस कनेक्शन की जैसे गहराई को, इम्पोर्टेंस को समझते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जैसे इस कनेक्शन को किसी मुकाम पे पहुँचाना है, और मुकाम क्या है, एक हैप्पीनेस, एक तरह का एक दूसरे के साथ में कनेक्शन। 14 नंबर किसी के लिए बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, आप देख लीजिएगा, ठीक है, वैसे तो नंबर्स यहाँ पे और भी हैं पर मुझे 14 नंबर की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा नज़र आई। मे बी किसी के लिए 14 आने वाली कोई डेट हो सकती है बहुत इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ही नज़र आ रहा है, बदलाव नज़र आ रहा है, सारी एनर्जी पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रही है। ओके, और देखते हैं इस पर्सन के मन में और क्या है आपको लेके, जैसे ठान लिया इस पर्सन ने कि मैं ये करके ही रहूँगी या करके ही रहूँगा, है ना, जैसे कुछ नहीं मान रहे हैं, किसी बंधन को नहीं मान रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त, इस तरह की एनर्जीज में हैं, पहले ये बंधनों में ही रहते थे, ठीक है, ये इस तरह के इंसान हैं जो कि बाउंडेशन में रहना, एक दायरे में रहना, एक मतलब जो भी अगर इनके लिए किसी ने कुछ सेट कर लिया, कुछ नियम बन गए तो उनको फॉलो करना, जैसे कि सोसाइटीज़ वगैरह या फिर कुछ दायरा इस पर्सन का अपना माइंडसेट कि हाँ मुझे इतना ही जाना है, इससे आगे नहीं बढ़ना है, तो कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट कहीं ना कहीं मैं इस पर्सन को जैसे ओवर करता हुआ देख रही हूँ,
एक लिमिट क्रॉस करता हुआ यहाँ पर आपके साथ में देखती हुई नज़र आ रही हूँ। लिमिट मैं ये नहीं कहूँगी, बहुत ही नेगेटिव है, मैं इस शब्द को मत लेना। लिमिट होती है जैसे खुद की मानसिकता को ब्रेक करना, ठीक है, कि अगर सामने वाले ने कुछ कहा है तो मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगी, ठीक है, मैं नहीं झुकूंगा, मैं आगे पहले से पहल नहीं करूंगा, वो मैं उस तरह से कह रही हूँ, ठीक है, इस तरह से आप लीजिएगा। सो लेट्स सी आपके पर्सन के मन में आपको लेके और क्या है। हैंगमैन, स्टार, मून, टेन ऑफ वैंड्स। तो व्यूवर्स मुझे देखो यहाँ पे यही नज़र आ रहा है, ये जो पर्सन है ये आपसे यही कनेक्शन को लेके बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है, यही इस पर्सन के मन में यहाँ पे चलता हुआ नज़र आ रहा है। मैं कुछ आपके लिए भी कार्ड्स देख लेती हूँ, आपकी तरफ से क्या वाइब्रेशन इस पर्सन को मिल रही है, ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं। मेरे व्यूवर्स की ट्रू फीलिंग क्या है डिवाइन एंजल इनके पार्टनर के लिए। एस ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन, नाइन ऑफ सोर्ड, लवर्स, इसको मैं थोड़ा रिवर्स कर रही हूँ पर इसका मीनिंग रिवर्स नहीं होता है। थ्री ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, बॉटम से हमारे पास जजमेंट आ रहा है, यहाँ से सेवन ऑफ सोर्ड आ रहा है। तो व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आप अपनी इस स्थिति में आ गए हैं या फिर ऐसी सिचुएशन में आप हैं जहाँ पर इस पर्सन से जो आपने प्यार किया है, ये लवर्स की एनर्जी है ना, तो लवर्स के साथ में थ्री ऑफ सोर्ड आए, यानी जितना इस पर्सन से प्यार किया उतना ही आपके दिल को तकलीफ़ मिली है, ठीक है, मैं ये कहूँ दिल दुखाया इस पर्सन ने आपका, आपको हर्ट भी किया है, आपके साथ में चीटिंग भी की है, ठीक है, धोखा जिसको हम कह सकते हैं, आपके सामने वो बातें आई हुई हैं, आपने उन चीज़ों को कैसे झेला होगा ये आप ही जानते हैं, मैं इस चीज़ को क्या ही बोलूं। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आप एक जस्टिस का वेट कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए कहूँगी, या फिर जो भी आपके कनेक्शन में हुआ है, जैसे डिवाइन आपको इससे निकाल लें, ठीक है, आपके साथ में इस पर्सन ने क्यों किया उसकी सज़ा दें इसको, आप ऐसी एनर्जी में हो, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ ये जो जजमेंट कार्ड आता है विद द सेवन ऑफ सोर्ड, ये बॉटम की एनर्जी आती है, अपसाइड की एनर्जी है जो आपकी तरफ से यही वाइब्रेशन देती है कि इस पर्सन ने जितना मैंने इसको प्यार किया है ना, इस इंसान ने मुझे उतना ही दर्द दिया है, तो मैं इसको जैसे माफ़ नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, ठीक है, और मैं डिवाइन ये चाहता हूँ कि तुम इसे सज़ा दो, इस चीज़ का जजमेंट करो, न्याय करो मेरे साथ में कि मुझे इस पर्सन ने मतलब कहाँ मैं थी और कहाँ लाके मुझे छोड़ दिया। मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ आप फीमेल ही होंगे, मेल भी हो सकते हैं, ठीक है, तो आप इस दर्द को भूल नहीं पा रहे हो, यहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो व्यूवर्स एक जस्टिस, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है क्योंकि मैं आपकी तरफ से मैनिफेस्टेशन में ही देख रही हूँ। आपकी लाइफ में आपको एक इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, ठीक है, या तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि देखो दो ही तरह की वाइब्रेशन, पर जो मोस्ट पावरफुल वाइब्रेशन आपकी तरफ से मुझे फील हो रही है, जैसे आप खुद भी इस एनर्जी से निकल रहे हो, जो डिजास्टर हमने आपकी एनर्जीज में देखा था, एक टावर जिसको हम कह सकते हैं कयामत को फेस करके आप निकल रहे हो बाहर, और फर्स्ट एनर्जी आपके लिए क्यूनोकोपिया आती है, यानी कहीं ना कहीं आप इस अबंडेंस वाली एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है, इस एनर्जी में आ चुके हो या आने ही वाले हो, लेकिन मैं ये कहूँगी आप इस एनर्जी में चल रहे हो क्योंकि करंट एनर्जीज में आता है। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ जैसे कि पहला कार्ड आपके लिए पेज ऑफ एस ऑफ पेंटिकल का आता है, जो कहीं ना कहीं लाइफ में एक नई शुरुआत को दिखा रहा है, अपनी लाइफ में जैसे कि आप प्रीवियस पास्ट की एनर्जी से बाहर निकल रहे हो धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, जैसे खुद को हील कर रहे हो, खुद को स्ट्रेंथन कर रहे हो और एक नेगेटिव वाइब्रेशन से बाहर निकल रहे हो, इस तरह की वाइब्रेशन मैं आपकी तरफ से देख रही हूँ। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आप तो सिर्फ सज़ा ही चाहते हो कि डिवाइन इसे सज़ा दो इस पर्सन को, इसने मेरा बहुत हार्ट ब्रेक किया है, ठीक है, इसने बहुत एटीट्यूड दिखाया है, कभी अपनी गलती नहीं मानी है, ठीक है, इस पर्सन ने मतलब मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल तितर बितर कर दिया है। आज मेरी लाइफ में अगर मैं देखूँ तो ना तो मैं उस वक्त को भूल पाया हूँ, ना ही मेरी लाइफ में अब तक मुझे सुकून मिल पाया है, आज भी वो जो वक्त है वो मुझे डरावने सपने की तरह डराता है,
मैं रातों में सो नहीं पाती, मुझे आज भी सुकून नहीं मिल पा रहा है। तो यूनिवर्स जैसे कि मुझे जस्टिस दो, ठीक है। आपकी ये एनर्जी इस पर्सन को लेके, आपके दिल में व्यूअर्स इस पर्सन को लेके मुझे प्यार तो नज़र नहीं आता, लेकिन ये पर्सन आपको चाहते हैं, ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। अब ये जो कार्ड्स व्यूअर्स यहाँ पर आए हैं, ठीक है, ये कार्ड्स क्या बताते हैं, ये पर्सन चाहते तो हैं आपके साथ में आना जुड़ना, लेकिन जो इनके बॉटम और अपसाइड के कार्ड आते हैं, अगर आपको याद हो तो इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि अभी आपकी तरफ आएँ तो कैसे आएँ, ठीक है। क्योंकि ये समवेयर इनके लिए ये करना है ना, ये करना कहीं ना कहीं चैलेंज है बहुत बड़ा, और ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि वो इस बिखरे हुए रिश्ते को, जहाँ पर आप दोनों के बीच में ना तो कोई अंडरस्टैंडिंग रह गई है, ना ही कोई बॉन्डिंग रह गई है, ना ही कोई ट्रस्ट रह गया है, और जो इस पर्सन ने आपके साथ में जो किया है, ठीक है, ये उसको प्यार में कैसे बदलेंगे, ठीक है। इसीलिए इस तरह के कार्ड आए हैं आपके लिए, क्योंकि अच्छा वो मैंने ये आपकी एनर्जीज देख ली, तो एनर्जी का यही दिखाई दे रही है कि अगर ये आपके साथ में ओपन अप भी होना चाहते हैं ना, आपके साथ में जैसे कि दूध के धुले होके भी आ जाएं, लेकिन तब भी आप इस पर्सन को लेके एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहे हो, तो ये पर्सन यही चाहते हैं कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे ये पर्सन मिल जाए। क्योंकि दो देख रहे हो, दो आप देखो यहाँ पे टू टू टू, तीन बार टू आ गया, यानी ट्रिपल टू भी आपको नज़र आ रहा होगा, या फिर आपके पार्टनर को नज़र आ रहा होगा। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है जैसे इस पर्सन के मन में कहीं ना कहीं आपको लेके भावनाएं बहुत आ रही हैं, इमोशनली आपको लेके बहुत सोच रहे हैं, कनेक्टेड होना चाहते हैं, क्योंकि सारी एनर्जी फ्लोस कहाँ कर रही है यहाँ पे, ठीक है। अब इस रिश्ते को जब संभालना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो इनको डर भी लग रहा है। डर किससे लग रहा है? आपसे, ठीक है। जब ये आपको प्यार देना चाहते हैं या फिर आपसे प्यार पाना चाहते हैं, आप कह रहे हो कि नहीं, मैं प्यार में हूँ ही नहीं, मैं अब मैं इससे बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ या ऊपर उठ चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे व्यूअर्स यही एनर्जी, जहाँ पे मुझे आपकी तरफ से बहुत सारे सवाल, आर्ग्यूमेंट, इस तरह की एनर्जीज मिलती हैं, और आप कहीं ना कहीं अब जैसे इसको कोई दूसरा मौका नहीं देना चाहते, इस पर्सन को एक जस्टिस की एनर्जी में आप मुझे नज़र आ रहे हो, जहाँ पर आप खुद को खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो। मैं डिफेंड नहीं कहूँगी, आप डिफेंड नहीं कर रहे खुद को, आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, जैसे खुद के लिए न्याय मांग रहे हो, और खुद के लिए न्याय खुद भी कर रहे हो, ठीक है। आपकी ये एनर्जीज है, तो आपके पर्सन व्यूअर्स इस समय कहीं ना कहीं आपसे खौफ खा रहे हैं, खौफ ही कहूँगी इनको, आपका खौफ है। वैसे तो ये बहुत देखो वेंट्स एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है यहाँ पे आप लोगों के रिश्ते के अंदर, लेकिन समवेयर इमोशनल एनर्जीज भी हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में अगर कोरिलेट करें तो दिखाती है इस पर्सन के मन में जाएं, उस वक्त इन्होंने आपके साथ में जैसा भी किया हो, बिहेव, एरोगेंस, एटीट्यूड और समवेयर बहुत ज़्यादा, जैसे कि ऐसा दिखाना जैसे इनसे बड़ा कोई है ही नहीं, इनसे ऊपर कोई है ही नहीं, जैसे अपने सामने किसी को समझते ही नहीं थे आपके पर्सन। बट मैंने बोला आप इनको मैग्नेटिक पुल दे रहे हो इस वक्त, ठीक है, जैसे कि इनके मन में भावनाएं जाग रही हैं, जागृत हो रही हैं, तो जब जागृत हो रही हैं तो इस पर्सन को आपकी तरफ बढ़ना है, लेकिन आपकी तरफ से तो आपने इनको टाई अप कर दिया है, आपने इनको बांध के रख दिया है, ठीक है। तो जो शर्तें हैं, जो बातें हैं, जो हुआ है इस कनेक्शन में, आपके पर्सन व्यूअर्स उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं मतलब आपसे ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। सोच तो रहे हैं बहुत ज़्यादा, आना तो चाहते हैं, पर यही सिचुएशन है व्यूवर्स यहाँ पे। देखो जिन लोगों से भी एनर्जी रेजोनेट हो रही है ना, क्लियर कट है, मैं कोई घुमा फिर आपके तो बात करती नहीं हूँ, जो आता है एज इट इज़ बोलती हूँ, ठीक है। तो मुझे आपकी तरफ से कोई भी पॉजिटिव वाइब्स इस पर्सन के लिए नहीं नज़र आती, ठीक है। आप तो बहुत इस समय अपनी लाइफ को लेकर क्लियर हो चुके हो, ठीक है, इस तरह की एनर्जीज में, और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो एक यूनोकोपिया की तरफ, एक अबंडेंस की तरफ, जो कहीं ना कहीं आपने बुरा वक्त देखा है ना, इससे बाहर निकल रहे हो, इस तरह की वाइब्रेशन है। तो ये है व्यूअर्स करंट एनर्जीज की रीडिंग आपकी और आपके पार्टनर को लेके। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्लेम करिएगा, ओके। इसमें एक्शन तो व्यूअर्स मैं ज़्यादा नहीं बता सकती, क्योंकि एक्शन तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कट ऑफ हो रहे हैं एनर्जीज की वजह से, ठीक है। सो व्यूअर्स ये थी रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।